Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पनामा का हंगामा फाइनल राउंड का तीसरा दिन, हम आपकी बात समझते हैं कि जीआरटी रिपोर्ट के इन 10 वॉल्यूम्स में वजीर आजम पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद नहीं किया गया। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, देखना है फैसला हमने करना है या ट्रायल कोर्ट ने, शवाहिद गैर मुतनाज़े हों तो हम फैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सरबरा जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। पूछ पूछ कर थक गए, बताता कोई नहीं कि लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन है। कई बार कह चुके जीआईटी रिपोर्ट के पाबंद नहीं, जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। शरीफ खानदान की मनी ट्रेल का जवाब आज तक नहीं आया। पैसा कतर और सऊदी अरब में था तो लंदन कैसे पहुंचा? वजीर आजम ने क्यों कहा कि तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं? जस्टिस एजाजुल अहसन का मुकालमा। जेआईटी ने फ्लैट से मुतालिक गलत बयानी की, वजीर आजम का किसी ट्रांजैक्शन और लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। डिक्लेयर्ड असासों के अलावा वजीर आजम के असासे नहीं, ऐसा था तो जेआईटी ने सवाल क्यों नहीं किया? शरीफ फैमिली के वकील खाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट जेआईटी रिपोर्ट मुस्तरद कर दे, जेआईटी पर एक और जेआईटी बनाया जाए, अखराजात का मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। नवाज शरीफ 2023 में भी वजीर आजम होंगे, अनुशा रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आता? उसे डर है कि यहाँ पर उसको अरेस्ट न कर लिया जाए। तुम्हारे वाले मुस्तनद एक चोर थे, तुम पैदाइशी ठग, चोर और डाकू हो, तुमने करप्शन के पैसों से जाकर इंग्लैंड में पढ़ाई की। आबिद शेरली का एक बार फिर इमरान खान पर वार, गिरफ्तारी के डर से अदालत न आने और करप्शन के पैसे से तालीम हासिल करने का इल्जाम। बद जबानी और बद कलामी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपकी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें, आपकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद कर सकें। नवाज लीग के रहनुमा बदजबान और बदकलाम करार, हुकूमत आपकी है, जाकर इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। वजीर आजम भी गिरफ्तारी के डर से अदालत नहीं आते, नईमुल हक का जवाबी वार। सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर जगह तंग होने पर फवाद चौधरी नाराज, रजिस्टर आर सुप्रीम कोर्ट से कमरा अदालत के ऊपर गैलरी खोलने की दरख्वास्त। आबिद शेर और नदीम अफजल चंद की फिर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ एंट्री, चंद साहब को इसलिए साथ लाता हूं कि उन्हें अंडे ना पड़े। आबिद शेर अली का मीडिया को जवाब, सब मैं को साथ ले आऊंगा ताकि उनको बाद में भी ना अंडे ना पड़े। आपका क्या ख्याल है चंद साहब? आगे मेरा ख्याल है गेम इज ओवर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इस्तीफा देने के। अभी तक जेआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ एक भी दस्तावेजात उन्होंने पेश नहीं की। वजीर आजम नवाज शरीफ के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जेआईटी रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में अभी तक एक डॉक्यूमेंट नहीं आया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं, हम सबका एहतसाब चाहते हैं, यकीन है अदालत से कौम को इंसाफ मिलेगा। सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रात भर तवील सियासी सोच विचार, वकीलों के लंबे दलायल, पेचीदा कानूनी निकात, ठंडा ठार कमरा अदालत, फैसल करीम कुंडी, ताहिरा औरंगजेब और नजर गोंदल को नींद के झोंके, शेख रशीद भी ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगे। रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम, चेयरमैन एससीसीपी आज फिर एफआईए के सामने पेश होंगे। तीन अफसरान का जफर एजाजी के खिलाफ बयान, जब्त शुदा लैपटॉप से टेम्पर शुदा रिकॉर्ड मिल गया।
धरनों के जरिए मईशत का धड़न तख्ता करने वालों मुल्क के दुश्मन करार। करप्शन जैसा सियासतदानों को पारसाई की बातें जेब नहीं देती। सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ कराने वालों ने कौम का खून चूसा है। शहबाज शरीफ का सियासी मुखालिफीन पर वार। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए वकला की मुल्क भर में जुजवी हड़ताल। हजारों मुकदमात की समाअत मुलतवी। वकला ने साइलीन को अगली तारीखें लेकर दे दी। वजीर आजम नवाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। स्मॉल बिजनेस ट्रेड सेंटर और लाहौर सियालकोट मोटरवे सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में टारगेट किलिंग। कार पर फायरिंग से चार अफराद जां बहक, एक जख्मी। वजीर आला सनाउल्ला जारी की मजम्मत। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची लियाकतआबाद में जमीन बोस इमारत का मलबा हटाने का काम दूसरे रोज भी शुरू ना हो सका। इर्द गिर्द की मखदूश इमारतें भी खाली करा ली गयी। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। करारदाद 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी मुसलमानों ने मंजूर की थी। डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुतनाज़ा इकदाम। जर्मनी में अमरीकी सदर ने रूसी हम मंसब प्यूटिन से खुफिया मुलाकात भी की। व्हाइट हाउस की तस्दीक।